हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बाइंड एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन वोल्टेड कनेक्शंस जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका CSVTO अप्रैल मई 2019 में आया हुआ है, 7 मार्क्स का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डायबोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, जिसमें डबल कवर बट जॉइंट दिया हुआ है और उसमें मेन प्लेट्स का थिकनेस 12 mm है एंड ईच कवर प्लेट का थिकनेस 8 mm है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हमको VDSB निकालना पड़ता है, VDPB निकालना पड़ता है और उन दोनों में जो मिनिमम आता है वही हो जाता है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो पहले देखते हैं VDSB। यहाँ पे FUB है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो कि आपको ग्रेड ऑफ बोल्ट से मिलता है। ठीक है, 4.6 ग्रेड बोल्ट के लिए FUB हो जाता है 400 N/mm². ठीक है, गामा MB है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जिसका वैल्यू होता है 1.25। ये आपको IS कोड के टेबल नंबर 5 पेज नंबर 30 में गिवन है। और NN के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल कवर बट जॉइंट या लैप जॉइंट गिवन है क्वेश्चन में तो NN हो जाएगा 1, और अगर डबल कवर बट जॉइंट गिवन है तो NN हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में डबल कवर बट जॉइंट गिवन है तो हमारा NN का वैल्यू हो जाएगा 2। और AMB का फॉर्मूला होता है 0.78 × π/4 D² डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट, यहाँ पे आप 20 mm का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका AMB निकल जाएगा, NN, FUB और गामा MB निकल जाएगा, तो हम VDSB निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वैल्यूज को पुट करके आप VDSB यहाँ से निकाल लेना। अब आइए देखते हैं VDPB। VDPB में ये वैल्यू आपको डायरेक्टली मालूम है, विच इज 1.25। ठीक है, FU आपको डायरेक्टली मालूम है जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जिसकी वैल्यू होती है 410 N/mm². ठीक है, D होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट जो कि डायरेक्टली गिवन है 20 mm। ठीक है, डायरेक्टली गिवन है 20 mm। ठीक है, तो हमको KB निकालना पड़ेगा और T निकालना पड़ेगा। KB के लिए कोड में लिखा है कि KB इज मिनिमम ऑफ द फोर वैल्यूज। पहला वैल्यू होता है E/3DH, E का मतलब एज डिस्टेंस, DH का मतलब डायमीटर ऑफ होल। ठीक है, यहाँ पे हमने डायमीटर ऑफ होल निकाला हुआ है बोल्ट का। ठीक है, क्योंकि हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm है, जो कि 16 mm से 24 mm डायमीटर की रेंज में है, इसीलिए हमने इसमें +2 mm किया डायमीटर ऑफ होल निकालने के लिए, DH निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां से E का वैल्यू हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट हमारे पास E का फॉर्मूला है मिनिमम वाला, 1.5 × डायमीटर ऑफ होल। यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 33 mm। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्टली 33 mm रख के आप E/3DH का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, पिच का भी हमारे पास फॉर्मूला है, P मिनिमम वाला 2.5 × डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट है हमारे पास 20 mm, तो यहाँ पे आप 20 mm रखोगे तो मिनिमम पिच आ जाएगा 50 mm, यहाँ पे डायरेक्टली आप वो मिनिमम वाला वैल्यू भी रख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड टर्म भी निकल जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा 400/410 और लास्ट वाला टर्म है 1। इनमें जो मिनिमम आएगा वही हो जाएगा हमारा KB। ठीक है, अब लास्ट है टी। टी के लिए मैंने आपको बताया था कि टी होता है मिनिमम ऑफ, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट विच इज 12 mm एंड टोटल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। तो टोटल थिकनेस कितना है कवर प्लेट्स का, 8 mm +8 mm विच इज 16 mm। तो यहां से आपका टी आ जाएगा मिनिमम ऑफ 12 and 16 विच इज 12। तो इस तरीके से आपका VDPB में निकल जाएगा, और VDSB और VDPB में जो मिनिमम आएगा वही आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन भी आपके CSVTO अप्रैल मई 2019 के क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का। इसमें आपसे बेसिकली पूछ रहा है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट। तो इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट गिवन है 20 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है 8 mm, पिच गिवन है 50 mm, FU गिवन है, FU का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, FU गिवन है आपको 410 MPa और 410 N/mm². ठीक है, ग्रेड ऑफ बोल्ट गिवन है 4.6, तो यहां से हम निकाल लेंगे FUB विच इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये आ जाएगा 4 × 100 विच इज 400 N/mm². डायमीटर ऑफ बोल्ट होल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि अगर हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट का रेंज 16 mm से 24 mm के बीच में है, ठीक है, तो उसमें हमको +2 mm और जोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IS कोड पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19। ठीक है, तो ये वाला जो +2 है वो उसी वजह से जुड़ा है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि होल इज अ पंच्ड होल। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि अगर होल पंच्ड होल होता है तो उसमें +2 और जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये +2 mm उस वजह से आया है।
तो डायमीटर ऑफ होल हो जाएगा टोटल 24 mm। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड जॉइंट एफिशिएंसी। जॉइंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि जिसने भी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है पहले जाके उसको देख लो, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है क्वेश्चन समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमने देखा था कि मिनिमम होता है BDSB, BDPP और TDN में। ठीक है, इनमें इन तीनों में जो सबसे कम आएगा उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे हम इजीली BDSB और BDPP निकालते हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड TDN। TDN का फॉर्मूला हमारे पास है IS कोड के पेज नंबर 32 क्लॉज नंबर 6.3.1 में कि 0.9 FU AN अपॉन गामा M1 होता है। ठीक है, TDN का फॉर्मूला आपको गिवन है कोड में। यहाँ पे हमने देखा था गामा M1 होता है 1.25, FU गिवन है हमको 410, अगर गिवन नहीं होगा तो भी याद रखना है आपको। और AN होता है नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ अ सेक्शन, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है P मतलब पिच माइनस डायमीटर ऑफ होल। ठीक है, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, P आपको गिवन है 50 mm, डायमीटर ऑफ होल है 24 mm, तो आपका निकल जाएगा TDN। ठीक है, और लास्ट वैल्यू निकालना है हमको स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही होता है TDN के फॉर्मूला के जैसा। यहाँ पे बस हमको यहाँ पे टी भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे टी भी मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला TDN के फॉर्मूला जैसा ही होता है, बस यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल नहीं होता। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला हो जाएगा 0.9 FU P × T, डायमीटर ऑफ होल नहीं होगा इसमें, अपॉन गामा नहीं होगा। टी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 8 mm। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज को पुट करके जॉइंट एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 10 सेकंड के लिए विजिबल होगा स्क्रीन पे, आप वहां से अपना आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वोल्टेज कनेक्शन के एनालिसिस वाले पार्ट से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उसका PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें प्रोवाइड किया है। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।